नई परख के राष्ट्रीय मुद्रा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। और रोज की तरह ही हम आज फिर से प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे देश की राजनीति के बारे में एक समझ बनाने के लिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक नई परख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ नियमित रूप से जुड़े। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो अक्सर यही कहा जाता है कि वो मास्टर स्ट्रोक लगाते रहते हैं। क्या कलम ने थोड़ा सा इसका जिक्र किया था, लेकिन आज मैं विस्तार से आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का उनका फैसला बिहार की राजनीति के संदर्भ में और उत्तर भारत की राजनीति के संदर्भ में एक नया मास्टर स्ट्रोक है, इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए? देखिए, आजकल तो त्वरित सर्वेक्षणों का जमाना है। जैसे ही नरेंद्र मोदी ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला किया, वैसे ही एक चैनल ने एक त्वरित सर्वेक्षण करवा डाला कि इसका राजनीति के ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो उसमें पता लगा कि बिहार के अंदर भी करीब 44% लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी इसका असर पड़ेगा, और 38% लोग कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा असर। और उधर ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के बाहर भी इसका असर पड़ेगा भाजपा के पक्ष में। तो मेरी अपनी राय यह है, मैं तो किसी सर्वेक्षण से प्रभावित हुए बिना अपनी बात कह रहा हूं, मेरी राय यह है कि इसका असर बिहार के बाहर ज्यादा पड़ सकता है भाजपा के पक्ष में। देखिए, जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने ईबीसी, एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास और महादलित, इन जैसे समुदायों के अंदर अपनी पैठ बना ली है, जैसे उत्तर प्रदेश में पैठ बना ली है, और भी कई इलाके ऐसे हैं जहां भाजपा की इन इलाकों इन इन जगहों पर पैठ हुई है, तो वहां पर भाजपा इन जगहों उन उनके बीच में अपना आधार और मजबूत करेगी। वो लोग इस प्रतीकात्मक कदम के जरिए भाजपा के साथ और जुड़ेंगे। लेकिन मुझे इस पर शक है कि बिहार में इतना फायदा होगा। फायदा होगा भी तो बहुत कम फायदा होगा बिहार में। देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी किस संकट की शिकार है, आप तो कमल मुझसे ज्यादा जानते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, खुद वहां के हैं भी, और आपने बिहार की राजनीति पे काफी एकेडमिक काम भी किया है। मेरा भी बिहार से ताल्लुक रहा है, अपने एक्टिविज्म के जमाने में मैं बहुत बिहार की यात्राएं करता रहा हूँ, और बिहार में जो राजनीति लोग करते हैं उनके साथ मेरा एक रक्त जब्त भी है, उनसे बातचीत भी है। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे प्रदेशों में तो अपना कायांतरण कर लिया है, यानी उसका ओबीसीआईजेशन हो गया है, मंडलीकरण हो गया है, लेकिन बिहार में अभी ये कायांतरण हुआ नहीं, करना चाहती है वो, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां ब्राह्मण बनिया ठाकुर और कायस्थ और भूमिहारों की पार्टी बन गई, बनकर रह गई। ये उसका स्थायी जनाधार है, कुछ भी हो जाए ये लोग भाजपा को ही वोट देते हैं। दूसरी जातियों के वोट भाजपा को मिलते भी हैं और फिर नहीं भी मिलते हैं, कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं। मसलन 2014 में अति पिछड़ों के वोट भाजपा को लोकसभा चुनाव में मिले थे, जब नीतीश, लालू और भाजपा तीनों अलग अलग चुनाव लड़े 2014 में। लेकिन 2015 में जैसे ही नीतीश और लालू जुड़े तो उन्होंने मिलकर भाजपा को बुरी तरह हरा दिया, और पिछड़ों के अति पिछड़ों के सारे वोट एक जगह जमा हो गए, महागठबंधन के ध्रुव पर जमा हो गए। तो 2015 में जो भाजपा की पराजय हुई थी वो घाव अभी तक भाजपा के मन में ताजा है, उस चुनाव को, उस पराजय को भाजपा भूली नहीं है। इसीलिए जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव की गतिविधियों से और सरकार को जिस तरीके से वो चलाने में अड़ंगा डाल रहे थे, नाराज होकर जब वो भाजपा में गए नीतीश कुमार, तो भाजपा ने उन्हें हाथों हाथ लिया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि भाजपा के अंदर से इस प्रकार की मांग थी कि नीतीश को न लिया जाए और भाजपा अकेले ही बिहार में अपना जनाधार विकसित करे, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी को लगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में काफी फायदा होगा अगर नीतीश कुमार साथ में आए। और उनकी नरेंद्र मोदी का आकलन सही साबित हुआ, 40 में से 39 सीटें एनडीए ने, इसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे, जीत ली, तकरीबन 100% का रिजल्ट रहा ये। आज स्थिति क्या है, आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन में है, और ये पहला लोकसभा चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी को लालू और नीतीश की मिली जुली ताकत का इस्तेमाल का मुकाबला करना होगा। अब ये भाजपा के मन में बहुत सारे संदेह हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी की शख्सियत बहुत लोकप्रिय है, लोकसभा चुनाव में उनके अलावा कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि नेतृत्व का दावा कर पाता हो, विपक्ष के पास तो चेहरा है भी नहीं मोदी के मुकाबले, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि ये जो गणित बनता है महागठबंधन का, ये सामाजिक गणित बनता है, ये गणित काफी मजबूत किस्म का गणित है, और गणित जब बहुत मजबूत होता है तो फिर वो कुछ ना कुछ तो नुकसान पहुंचा ही देता है। हो सकता है कि भाई कितनी भाजपा ने कितनी कितनी सीटें जीती थी, 20 जीती थी शायद बिहार में, तो इस बार 17 जीती थी,
भाजपा ने, हाँ भाजपा ने 70 सीटें जीती थी बिहार के अंदर। तो भाजपा के अंदर ही बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर अकेले भाजपा चुनाव लड़ी तो हो सकता है इस बार 2.5 में भी ना पहुंचे, 8 या 9 पे भाजपा सिमट जाए। तो यानी उसको 9, 8, 9 या 10 सीटों का नुकसान बिहार में हो सकता है। तो उस नुकसान को ना, वो नुकसान ना होने दिया जाए, इसके लिए भाजपा हर तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रही है। पहले महागठबंधन से जो कमजोर जातियों के नेता हैं उनको लिया गया, उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन से छोड़कर इधर आए, जीतन राम मांझी महागठबंधन छोड़ के इधर आए, सहनी को, मुकेश सहनी को उधर महागठबंधन में नहीं जाने दिया गया, वो भी भाजपा की तरफ हैं। और इसके बाद में जीतन राम मांझी तो बहुत ही सक्रिय रूप से और मुखर रूप से बयानबाजी में भी लगे हुए हैं, जितनी ज्यादा बयानबाजी वो कर रहे हैं नीतीश के खिलाफ और महागठबंधन के खिलाफ उतने तो सुशील मोदी भी नहीं कर रहे हैं। वो अब उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया है, जबकि कर्पूरी की जो शताब्दी, जन्म शताब्दी मनाई जा रही है, तो जब 22 तारीख को मोदी जी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे उस वक्त कर्पूरी गांव में नीतीश कुमार जाकर जन्म शताब्दी के कामों में व्यस्त थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्पूरी ठाकुर को लेकर किस तरह की रस्साकशी दोनों गठबंधनों में, एनडीए में और इंडिया गठबंधन में हो रही है। तो मैं ये मानता हूं कि नीतीश का तो कर्पूरी ठाकुर से बिल्कुल सीधा संबंध रहा है। कर्पूरी ठाकुर ने शराबबंदी की थी, नीतीश ने भी शराबबंदी की है। कर्पूरी ठाकुर जो अति पिछड़े और अति दलित समाज थे उनके चैंपियन थे, नीतीश भी उन्हीं के चैंपियन के तौर पर जाने जाते हैं। तो काफी कुछ नीतीश खुलेआम कहते भी हैं कि वो मेरे गुरु हैं, हमारे नायक हैं, और 2007 से नीतीश हर सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दिया जाए। अब जाके दिया गया, कांग्रेस की सरकारों ने भी नहीं दिया और मोदी सरकार ने भी 9.5 साल बाद भारत रत्न दिया, मतलब करीब 10 साल जब होने जा रहे तब भारत रत्न दिया। तो ये इससे पता लगता है कि किस तरह मजबूर होकर एक राजनीतिक दांव के रूप में भारत रत्न को इस्तेमाल करने के मकसद से ये फैसला लिया गया है। और बिहार एक बहुत ही पॉलिटिसाइज, एक बहुत ही राजनीतिकृत राज्य है, वहां के तमाम समुदाय जानते हैं कि कौन हमारा नेता है, कौन हमारा नेता नहीं। मतलब गिरिराज सिंह जिस पार्टी के नेता हों, उस पार्टी में किसी दूसरी बिरादरी का प्रभुत्व, दूसरी बिरादरी कम, और खासतौर से कमजोर समुदायों की बिरादरी जो है, वो अगर माने कि ये पार्टी हमारी रहनुमा बन जाएगी, तो मुझे वो व्यवहारिक रूप से थोड़ा मुश्किल ही लगता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि भाजपा को कमजोर समुदायों के वोट बिल्कुल नहीं मिलेंगे, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। कुछ कुछ मिलेंगे, जहां पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे वहां मिलेंगे, और कुछ कुछ मोदी की वजह से भी पिछड़े वर्ग के वोट भाजपा की तरफ जाएंगे, लेकिन मोटे तौर पर महागठबंधन भाजपा को बहुत जबरदस्त टक्कर देगा बिहार में। मेरे ख्याल से देश में सबसे ज्यादा जबरदस्त टक्कर अगर कहीं एनडीए को मिलेगी है, तो वो बिहार के अंदर मिलेगी। और अब मोदी के पास इतने बड़े नेता और इतनी बड़ी पार्टियां हैं नहीं वहां पर। अब भाजपा तकरीबन कुछ एक ये मांझी को और कुशवाहा को और सहनी को एक दो सीटें देकर बाकी सारी सीटों पर तो भाजपा ही लड़ेगी वहां पर। आपका क्या अनुमान है, भाजपा कितनी सीटों पर लड़ सकती है बिहार में? मुझे लगता है कि भाजपा 25 तक सीटों पर लड़ेगी और बाकी चीजें देगी। 25 से ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, मुझे लगता है भाजपा हो सकता है 30 सीटों पर लड़े और बाकी 10 सीटों में इन लोगों को निपटा दे। मेरा एक दूसरा प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है कि जैसे आमतौर पर अगर विद्यार्थियों से पूछा जाए कर्पूरी ठाकुर के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा उनके बारे में नहीं जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक छोटी जाति, संख्यात्मक रूप से छोटी जाति के नेता थे जिसका बिहार की राजनीति में ज्यादा वर्चस्व नहीं है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि सच में वो राजनीति की एक धुरी बन सकते हैं? क्योंकि ईबीसी की राजनीति हम देखते हैं कि छोटी छोटी जातियों में बटी हुई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति भी, वहां अलग अलग निषाद की अपनी पार्टी है, राजभर की अपनी पार्टी है। तो ये एक ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो एकदम से ईबीसी को गोलबंद कर देंगे। हाँ, एक फील गुड फैक्टर आ सकता है। कर्पूरी ठाकुर चूंकि एक प्रतीकात्मक उनकी हस्ती है, और वो मुंगेरी लाल जो कमीशन था, उस कमीशन के जरिए उन्होंने जो कर्पूरी फार्मूला तैयार किया था आरक्षण का, वो बहुत ही दूरगामी दृष्टि से तैयार किया गया था। यानी उसमें ईडब्ल्यूएस का फार्मूला उस वक्त वो 3% लोगों को उन्होंने सब गरीब सवर्णों के लिए उन्होंने 3% रखा था, जो ईडब्ल्यूएस आज दिया गया है। फिर उन्होंने जो कारीगर जातियां हैं, अति पिछड़ी जातियां हैं, उनके लिए 12% रखा था, और जो लैंडेड ओबीसी हैं यानी भूमिधर पिछड़े हैं उनके लिए उन्होंने 8% कर्पूरी ठाकुर ने रखा था।
तो वो एक ऐसा फार्मूला था जो मुझे लगता है कि उसको मंडल कमीशन को ठीक से देखना चाहिए था। 70 के दशक में आया था फार्मूला, मंडल कमीशन ने उस फार्मूले की तरफ ध्यान नहीं दिया पूरी तरीके से, और अब पूरी अपनी सारी क्षमता जो लैंडेड ओबीसी हैं, भूमि जो भूस्वामी ओबीसी जातियां हैं, उनके हित में आरक्षण को झुकाने में बीपी मंडल ने लगा दी। और अगर वो कर्पूरी का फार्मूला, तो कर्पूरी की ये जो हस्ती है, अब जब उन्हें भारत रत्न मिल गया है तो अब सबका ध्यान उनकी तरफ जाएगा। और आजकल संचार के साधन बहुत प्रबल हैं, प्रचार के तौर तरीके बहुत जबरदस्त हैं, और जल्दी ही कर्पूरी का जो बायोडाटा है कर्पूरी जी का, वो तमाम जगह फैला दिया जाएगा, और गांव गांव में कर्पूरी ठाकुर की मूर्तियां लग जाएंगी, उनके नाम पे भवनों के नाम रख दिए जाएंगे, उसमें लोगों को पता लग जाएगा, जिनको नहीं पता है उनको भी पता लग जाएगा कर्पूरी ठाकुर कौन है। और ये एक महीने के अंदर हो जाने वाला है, तो उसका फायदा तो कुछ ना कुछ सब लोग उठाने की कोशिश करेंगे ही। और कर्पूरी से जो नीतीश की जो नजदीकी है, इनकी तरफ से भी बात ले जाई जाएगी कर्पूरी के पक्ष में, और भाजपा की तरफ से भी कर्पूरी के पक्ष में बात ले जाई जाएगी, तो दोनों ही पक्ष कर्पूरी के नाम का प्रचार करेंगे अपने अपने साधनों से। तो बहुत तेजी के साथ कर्पूरी से जनता का, कर्पूरी जी से जनता का एक परिचयात्मक संवाद जो है वो बनने लगेगा राजनीति। और इस चुनाव में ही नहीं, इसका असर दूसरे चुनावों पर भी पड़ सकता है, आगे आने वाले चुनावों पर भी पड़ सकता है। देखिए अब बिहार के चुनाव, विधानसभा चुनाव भी तो थोड़े दिन बाद ही होने हैं भाई, इधर 24 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उसके बाद 25 की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव हो जाएंगे, 25 में अक्टूबर जून के बाद होंगे, एक साल बाद विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये दांव जो है ना, ये केवल लोग, इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव तक ही नहीं रहेगा, ये विधानसभा चुनाव में भी काम करे, तो इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण है ये कदम जी। एक और चीज जो आपको भी पता ही होगी और रोचक भी शायद दर्शकों को भी लगे कि कर्पूरी डिवीजन बिहार में चला था जब कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे, तो क्योंकि 10वीं में आप अंग्रेजी में फेल होते तो फेल नहीं माने जाएंगे, ऐसा उन्होंने प्रावधान किया। तो जो लोग अंग्रेजी में फेल हो जाते थे बाकी पास होते थे, तो उनको कहा जाता था कि वो कर्पूरी डिवीजन से पास हुए हैं। नहीं, मैं तो इस कर्पूरी डिवीजन का समर्थन करता हूँ, ये कर्पूरी डिवीजन सारे देश में लागू होना चाहिए, बाद में लागू भी किया लालू यादव ने। भारत में स्थिति क्या है, भारत में स्थिति यह है कि जिस व्यक्ति की अंग्रेजी अच्छी होती है, चाहे वो समाज के किसी भी हिस्से से आता हो, थोड़ी सी भी उसकी अंग्रेजी ठीक हो गई, उसके बाद वो दूसरी भाषाओं में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है। बहुत ही गिने चुने उंगलियों पर गिनने वाले लोग ही, नलायकी लोग हैं, जो अंग्रेजी अच्छी होते हुए भी भारतीय भाषाओं में रुचि रखते हैं और भारतीय भाषाओं में लिखते पढ़ते और बोलते हैं। तो हम लोग जो है वो अंग्रेजी ठीक होने के बावजूद भी कुछ विचारधारात्मक और दूसरी कुछ दूसरे जो हम लोगों ने अपने आप से वायदे किए हैं कुछ, उनके जरिए हम लोग भारतीय भाषाओं की दुनिया में है, वरना समाज विज्ञान की दुनिया तो आपको बार बार धकेलती है अंग्रेजी की ओर। जब मैंने CSDS गया तो मैं फिर एक अपना जो एनुअल सेमिनार होता था, फैकल्टी सेमिनार होता था, उसमें लेख अंग्रेजी में भी लिख के देता था और अपना हिंदी में भी लेख लिख के देता था। धीरे धीरे मेरी समझ में आया कि मैं अंग्रेजी में लेख लिखने में क्यों अपना समय खर्च करता हूँ, मैंने अंग्रेजी में लेख लिखना बंद कर दिया 3-4 साल बाद, ताकि आपको ज्यादा समय मिल सके हिंदी में काम करने का। तो ये कर्पूरी डिवीजन के मैं पक्ष में हूं, अंग्रेजी पढ़ना जरूर, पढ़ना अच्छी बात है मैं मानता हूं, लेकिन अंग्रेजी की योग्यता के आधार पर आपकी एकेडमिक योग्यताएं नहीं तय होनी चाहिए और आपकी प्रोफेशनल योग्यताएं तय नहीं होनी चाहिए। एक और चीज जो मैं नरेंद्र मोदी की कामयाबी के रूप में देखता हूं कि आमतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की ऊंची जाति के समर्थक हैं वो आम बातचीत में पिछड़ी जातियों को पसंद नहीं करते हैं, दलितों को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब मोदी सरकार इस तरह के फैसले लेती है तो उसको सह लेते हैं या उसके बारे में बुरा नहीं बोलते हैं, तो ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की बड़ी सफलता मानी जाएगी। ये नरेंद्र मोदी की राजनीति की सफलता होने के साथ साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो बहुत लंबा चलता हुआ एक प्रोजेक्ट है, ये उसकी सफलता है। देखिए कल्याण सिंह उमा भारती, महादीपक सिंह शाक्य, इस प्रकार के नेताओं का उद्भव तो नरेंद्र मोदी के बहुत पहले ही हो गया था भाई। यादवों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो दूसरी लोधी शाक्य, दूसरी जो बिरादरियां हैं, उसमें तो भारतीय जनसंघ की पैठ पिछड़ों में बहुत पहले से मौजूद है। और उत्तर प्रदेश में जब भी भाजपा अच्छी स्थिति में आती थी तो मुख्यमंत्री पद के एक ही उम्मीदवार होते थे, इनका नाम था कल्याण सिंह।
इस बात से मुरली मनोहर जोशी को दिक्कत जरूर होती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरे 90 के दशक में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री तक नहीं थे और उनकी भाजपा के महासचिव से ज्यादा कोई ऐसी हैसियत नहीं थी, पूरे 90 के दशक में कल्याण सिंह ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नियामक थे। तो भारतीय जनता पार्टी और पिछड़ी जातियों के बीच में संबंध जनसंघ के जमाने का है। इस बात को हम लोग पता नहीं क्यों नहीं ठीक तरीके से मानते और समझते हैं। ठीक है, डॉक्टर लोहिया ने पिछड़ों के राजनीतिकरण की शुरुआत की, लेकिन जिस समय डॉक्टर लोहिया पिछड़ों का राजनीतिकरण कर रहे थे, जब वो कह रहे थे कि पिछड़ा पावे सौ में साठ, उसी वक्त दीनदयाल उपाध्याय भी जो उनके समकालीन थे वो पिछड़ों में काम कर रहे थे और वो ऊंची जाति के नेताओं से इस्तीफे दिलवा कर पिछड़ी जाति के नेताओं को उनकी जगह बैठा रहे थे, नामजद कर रहे थे उनकी जगह अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण पदों के ऊपर। अगर जब तक हम इस इतिहास को नहीं देखेंगे तब तक हमें आज जो भारतीय जनता पार्टी का मंडलीकरण हुआ है इसके इतिहास की जानकारी नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि दिल का जुड़ाव नहीं होता है, अक्सर सहन करने वाली बात ज्यादा मुझे लगती है। ये इसमें क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो ऊंची जात के लोगों को और शूद्र जातियों के लोगों से जोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने, इसमें जो जुड़ाव है वो जुड़ाव हिंदुत्व की राजनीति का है। यानी जो सोल्यूशन है जिससे दोनों आपस में चिपके हुए हैं वो हिंदुत्व की राजनीति का, जो धार्मिक धर्म और राजनीति का जो घालमेल है उसका सोल्यूशन है, उससे ये लोग जुड़े हुए। क्योंकि भाजपा में अगर कोई पिछड़ा नेता जाता है तो उसे ब्राह्मणों को गाली देने की इजाजत नहीं है, इसी तरह ब्राह्मणों को भी पिछड़ों की निंदा करने की इजाजत नहीं है, उनका मजाक उड़ाने की, उनका तिरस्कार करने की और उपहास करने की इजाजत नहीं है। तो ये तो संयम दोनों तरफ है। आज नीतीश कुमार का मैं भाषण सुन रहा था जो उन्होंने पटना में दिया कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर, जिसमें उन्होंने परिवारवाद को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां की, नाम किसी का नहीं लिया पर कहा कि कुछ नेता तो अपने परिवारों को बढ़ाते हैं, कर्पूरी जी ने नहीं बढ़ाया, प्रधानमंत्री को धन्यवाद किया। तो एक बार फिर से चर्चा चल पड़ी कि नीतीश जी, हाँ, नीतीश कुमार के भाषण से बड़े बड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि तो अब तो तारीख ही तय कर दी गई है कि फरवरी के पहले हफ्ते में पलटी मार जाएंगे। पहले 25 जनवरी था तारीख, अब 25 जनवरी तो निकल गई, 25 जनवरी तो कल है, तो कल तो पटरी नहीं, कल तो पलट, अब फरवरी का पहला हफ्ता बताया जा रहा है। अच्छा, अब आप इसमें देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो घर पर कपड़े पहनता हूँ, जो बाहर वही कपड़े बाहर पहनता हूँ, तो उन लोगों में से नहीं हूँ, दिन में 4 बार कपड़े बदलते हैं अपने। तो क्या अब इसका कहा क्या कहा जाए, इसका कहा जाए उनका इशारा किधर है? उनका इशारा अगर इसकी राजनीतिक मतलब निकाले जाए, और दिन में 4 बार कपड़े कौन बदलता है? 4 बार कपड़े नरेंद्र मोदी बदलते हैं ना। तो अब क्या कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं? इस पे कोई कयासबाजी नहीं करेगा मीडिया वाला। आज एक और चीज ये हुई इसी मसले से जुड़ी हुई कि मायावती ने मांग की कि कांसीराम को भारत रत्न दिया जाए, और उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसमें संजय राउत ने कहा कि सावरकर को क्यों नहीं दिया गया। तो क्या ये भारत रत्न भी अभी एक राजनीति का भी आगे मुद्दा रहेगा? ये बहुत पुरानी मांग है, कांशीराम को भारत रत्न देने की मांग बहुत दिनों से हो रही है, और संजय राउत ने पहली बार नहीं कहा है, संजय राउत ही नहीं बहुत लोग कह चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी, यानी इस बात को बड़े ही इस तरह कहा जाता है, लज्जा आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आज तक सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया गया, जबकि सावरकर के नाम पर सब लोग हाथ बांध के झुक जाते। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा में सावरकर का सम्मान ना हो। इससे यह लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सावरकर के बीच में जो अदावत थी, बाकायदा अदावत थी, सावरकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बहुत निंदा करते थे, संघ के स्वयंसेवकों का मजाक उड़ाते थे, और स्वयं डॉक्टर हेडगेवार ने संघ के स्वयंसेवकों से कह रखा था कि वो हिंदू सभा के कार्यक्रमों में ना जाए, हिंदू महासभा के कार्यक्रमों में ना जाए, हमारा काम उनकी दरियां बिछाना और उनकी मेज कुर्सियां लगाना नहीं है, क्योंकि वो चुनाव में भाग लेने से इनकार करते थे। सावरकर इस बात से बहुत सख्त नाराज थे, सावरकर चाहते थे कि संघ का जो संगठन है वो उनसे चाहिए हिंदू महासभा के चुनाव में उनकी मदद करे, इसलिए मतभेद का मुख्य कारण था। लेकिन दूसरी बात ये थी कि सावरकर चाहते थे कि जाति तोड़ों की मुहिमें चलाई जाए, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके लिए भी तैयार नहीं था। वो कह रहा था कि भाई हिंदू समाज की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें अगर हम हस्तक्षेप करेंगे तो उनका
उनको संगठित नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार के बहुत से मतभेद थे उन लोगों के बीच में, उन मतभेदों के चलते काफी तलखी भी थी, काफी कड़वाहट भी थी। शायद यही कारण है कि 10 साल से 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और 10 वर्ष से नरेंद्र मोदी की सरकार है, 16 साल हो गए हैं केंद्र में भाजपा की सरकार को, आज तक विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। आज की बातचीत के लिए एक आखिरी सवाल जिस पर शायद हम कल और विस्तार से बात करेंगे, जो इंडिया गठबंधन में आज ममता बनर्जी ने घोषणा की उसको लेकर आपको क्या लगता है कि गाड़ी पटरी से उतर चुकी है या फिर एक ब्रिकमैन से? ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 सीटें देना चाहती थी, कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी वहां पर, कांग्रेस शायद 5 सीटें मांग रही थी। तो मेरे ख्याल से आखिर में ये सब बहस मुआवजा होते होते 3 सीटों पर फैसला हो जाएगा। और कांग्रेस 3 सीटों पर क्यों रमे, क्योंकि जयराम रमेश ने जो बाद में वक्तव्य दिया है उसको भी देखना चाहिए। जयराम रमेश ने ये कहा है कि ममता बनर्जी हमारे इंडिया गठबंधन की बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, हम उनको साथ लेके चलेंगे, हम उनसे बात चला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि 2 पे तो नहीं और 5 पे भी नहीं, इन दोनों के बीच में कोई एक समझौता हो जाएगा। ये भी है कि क्या इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं जैसे TMC, उनको इस चीज को लेकर घबराहट है कि कांग्रेस क्यों उनके इलाके में आ रही है, क्यों राहुल गांधी एक अलग से प्रचार कर रहे हैं, ये भी एक बात। देखिए ये इसको मैं नहीं मानता हूं, इतने बड़े बड़े नेता, इतने ताकतवर नेता इस तरह की बातों से घबराते हैं। एक तरह का जो टेक्टिकल मैन्यूवरिंग है, जो रणनीतिक दांव घात है, ये तो हमेशा होता ही रहता है। और ये सारी पार्टियां कांग्रेस की महत्व पार्टियां नहीं है। अब नरेंद्र मोदी के सामने ओम प्रकाश राजभर क्या मुंह खोलेंगे, नरेंद्र मोदी के सामने जीतन राम मांझी क्या मुंह खोलेंगे, नरेंद्र मोदी भाषण देंगे और भाजपा के कार्यकर्ता की भांति ये लोग चुपचाप बैठे हुए सुनेंगे उसे और घर चले जाएंगे उठ के। नरेंद्र मोदी 1 सीट देंगे तो 1 ले लेंगे, अगर नरेंद्र मोदी कहेंगे नहीं कोई तो, ये इनकी हैसियत ये है कि ये NDA में चले तो गए हैं, उसको छोड़ने की भी हैसियत नहीं है इनकी, इनके पास कोई स्वायत्तता थोड़ी ना है भाजपा के मुकाबले। जबकि इंडिया गठबंधन अलग तरह का गठबंधन है, इसके अंदर पार्टियां लगभग समान ताकत की हैं। कांग्रेस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी जरूर है लेकिन क्षेत्रीय शक्तियां भी अपने अपने इलाके में सुप्रीम है। तो वहां वो लोग एक दूसरे के महत्व नहीं है, इसलिए वो ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं देंगे या एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे या एक दूसरे को आईना नहीं दिखाएंगे, ये सब चलता रहेगा। एक आखिरी सवाल मेरे मन में आ रहा था जब आप कर्पूरी ठाकुर की बातचीत कर रहे थे, तो अगर कर्पूरी ठाकुर को लेकर प्रयोग हो रहे हैं और बिहार में भाजपा अनिश्चित लगती है, तो क्या इसका निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि राम मंदिर को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो अपने आप में इतने बड़े दावे नहीं कि भाजपा को चुनाव जिता सके? ये आपने बहुत अच्छी बात अभी कर दी, वो मैं सोच के आया था कार्यक्रम में कि ये मैं जरूर चर्चा करूंगा इसका। ये दावा किया गया, मैंने कल ये शायद कहा था कि 300,000 लोगों ने वहां पर दर्शन किए, लेकिन आज सवेरे पता लगा कि 5,00,000 लोगों ने दर्शन किए। और अभी TV पे ये भी आ रहा है कि आज फिर 5,00,000 लोगों ने दर्शन किए। तो मुझे हमारे मित्र संजय शर्मा ने जो 4PM के हैं, उन्होंने मुझे एक विश्लेषण बताया आज, वो मैं आपके साथ ही साझा करना चाहता हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, मंदिर 12 घंटे खुला रहता है, ठीक है, 12 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 का 60 में गुणा कर दीजिए तो 1 घंटे के सारे सेकंड निकल आएंगे, उसमें 12 गुणा कर दीजिए तो पूरे सेकंड निकल आएंगे जितने एक, आप उन सेकंडों में 5,00,000 का भाग दीजिए तब आपको पता लगेगा कि 1 सेकंड में कितने लोगों को दर्शन करेंगे भाई। और उसमें बीच बीच में VIP भी आते हैं, VIP को अलग से दर्शन कराया जाता है तो उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगता है। तो अगर VIPओं के जो स्वाभाविक रूप से सेकंड हैं वो सेकंड उसमें से घटा दिए जाएं तो कुल मिला के 40,000 सेकंड बनते हैं 12 घंटे में, जिनमें साधारण लोग जाकर 5,00,000 लोगों को दर्शन करना है 40,000 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 13 लोगों को दर्शन करना है। तो आप बताइए 1 सेकंड में 13 लोग, भाई हम और आप दर्शन करने जाएंगे तो हम लोग 2 मिनट तो लेंगे ना, प्रसाद चढ़ाएंगे, झुक के प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, नरेंद्र मोदी ने फैशन भी चला दिया है लेट के दंडवत करने का, तो बहुत से लोग उसी तरीके से दंडवत करना चाहेंगे, एक बार लेटने और उठने में ही लग जाता है 1 मिनट।
तो क्या एक सेकंड में 13 लोग दर्शन कर सकते हैं? तो ये जो सब जो आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, ये जो हवाबाजी चल रही है पूरी की पूरी कि 5 लाख लोगों ने दर्शन किए, ये तो मान सकता हूं लाखों लोग वहां पहुंच गए होंगे, लेकिन दर्शन 5 लाख लोग कैसे कर सकते हैं एक दिन के अंदर? भाई रामलला को तो रात में सोना भी है, 24 घंटे तो नहीं खोला जा सकता, फिर भी जो दर्शन के घंटे हैं वो काफी बढ़ा दिए गए, 12 घंटे मंदिर खुला रहेगा, कोई भी मंदिर 12 घंटे नहीं दर्शन करवाता है। अगर चुनाव के चुनावी फायदा उठाने के लिहाज से 12 घंटे दर्शन करवाए जा रहे हैं, तब भी 5 लाख लोग 12 घंटे में कैसे दर्शन कर सकते हैं? अब आप सोचिए कितने लोग दर्शन कर रहे होंगे। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो 1 लाख या उससे कुछ कम लोग ही रोज दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप से कर ही नहीं सकते इतने लोग दर्शन। ये टीवी पे जो आंकड़ा आ रहा है ये सब हवाबाजी हो रही है और पूरा माहौल बनाया जा रहा है, ताकि टेम्पो बना रहे, इसका टेम्पो बनाए रखना है। इसलिए कहा जाएगा कि रोज लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, भाजपा 3 लाख लोगों को दर्शन कराएगी, उससे भी ज्यादा 5 लाख लोग लग रहे हैं। तो जो सिंपल मैथमेटिक्स मैंने भी लगाई, मुझे तो लगा नहीं कि इतने लोग दर्शन कर सकते हैं जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है। और उसमें ये भी है कि चूंकि हमारे यहाँ गाँव में मंदिर है तो ठाकुरबाड़ी, तो उसमें जब लंच का समय होता है, जब भोग लगता है, तो उस समय कोई दर्शन नहीं कर सकता है। नहीं, नहीं, रात में भी होता है तो रोका जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए अब इतनी भीड़ आ जाएगी, पुलिस उसको रेगुलेट करेगी, वरना भगदड़ जम मच जाएगी भाई, लोगों की लाइन लगाई जाएगी, और दर्शन की स्पीड जो है और धीमी हो जाएगी। बीच बीच में 1-2 घंटे रोका भी जाएगा, क्योंकि असंभव है ना। देखिए नियम ये बनाया गया था कि रामलला की जो पूजा का प्रोटोकॉल है उसमें यह है कि हर 1 घंटे बाद उनको कुछ भोग लगाया जाएगा, उनको तो जब उनको भोग लगाया जाएगा तो दर्शन रोक दिए जाएंगे। ये रामलला को दिन भर भूखा रखा जाएगा, उनको लगातार भोग लगा, लगातार दर्शन देने पड़ेंगे अपने, वो दर्शन देने के लिए अभिशप्त हैं। तो क्या हो क्या रहा है ये सब पूरा, इसके पीछे कोई क्या तर्क क्या है इसके पीछे? शायद तर्क ये होगा कि अगर लोगों ने मंदिर देख लिया, दर्शन कर लिया, अब ये कह सकते हैं, ये हो सकता है कि भाई हम मंदिर देख लिया हमने दूर से, ताजमहल की तरह या किसी और तरीके से मंदिर, ताजमहल हम लोग देख लेते हैं, जरूरी अंदर घुस के जो अंदर उसमें जो जो मजार बने हुए हैं उन मजारों को भी कोई देखे, बाहर से ताजमहल देख के चले आते हैं। बड़े बड़े मंदिर भी हम लोग देखते हैं, उनकी भव्यता वगैरह देख के, तो उसको दर्शन अगर मान लिया जाए तो दर्शन है, कि रामलला का दर्शन करना ये तो असंभव है इतने लोगों का। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं, हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति से जुड़े मुद्दे पर प्रोफेसर अभय कुमार दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।